सो हाय गाइस, अब देखो अभी के टाइम पे ये जो बंडल आप लोग देख पा रहे हो, गरला ब्रो ने इसको दिया है अपने गोल्ड रॉयल के अंदर और साथ ही में कुछ और भी रिवॉर्ड्स को अवेलेबल कराया है, जैसे कि इमोट, गाड़ी का स्किन, बैकपैक स्किन। अब कुछ दिन बाद ये गोल्ड रॉयल चेंज हो जाएगा, इसके जगह पर न्यू बंडल आएंगे, न्यू इमोट आएंगे और न्यू आइटम्स आएंगे। बट सवाल आता है कि न्यू आइटम्स यानी कि वो जो न्यू आइटम्स दिया जाएंगे, न्यू इमोट बंडल, वो देखने में कैसा है। टेंशन ना करो, आज के इस वीडियो के अंदर आपको दिखा दूंगा मैं नेक्स्ट गोल्ड रॉयल का बंडल देखने में कैसे होंगे और बाकी जो आइटम्स गोल्ड रॉयल के अंदर आएंगे उसके ऊपर भी अपडेट दूंगा। अभी मजा आएगा ना वीडियो। साथ ही साथ में गाइस, आज के इसी वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आफ्टर OB42 अपडेट होने वाले गेम के अंदर कुछ न्यू बेहतरीन चेंजेस के बारे में, जो कि भाई गेम के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करेगा। और तो और इसके अलावा गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ न्यू वॉइस कमांड सुनाएंगे, मतलब ऐसे वॉइस कमांड जो कि अब गेम के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अपडेट के बाद अगर आप लोग माइक ऑफ करके गेम प्ले करते हो तो कुछ न्यू वॉइस कमांड भी आप लोग अपने टीममेट को दे सकते हो। तो आज आपको वो भी सुनाऊंगा, उससे मेरा क्या फायदा। अब फायदा क्या है वो तो आपको वीडियो में आगे ही पता चलेगा। देन गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने आने वाले गेम के अंदर नेक्स्ट टॉप अप इवेंट के बारे में, कौन कौन से आइटम्स को दिए जाएंगे। तो बस वीडियो के अंदर अपडेट में बहुत सारा लेकर आया हूँ, सब कुछ मैं इंट्रो में बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आगे बता दूंगा, आप लोग बस वीडियो को देखते रहो। तो आओ गाइस, सबसे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करने वाले हैं आने वाले गेम के अंदर अपने एक न्यू टॉप अप इवेंट के बारे में। बेसिकली गाइस, ये टॉप अप इवेंट आप लोग को 22 तारीख के दिन अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, मतलब कह सकते हो कल के लिए ये टू नाइट अपडेट रहेगा। बट आज आपको कवर कर दूं कौन कौन से आइटम्स को दिए जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉप अप इवेंट के अंदर। वैसे गाइस, अभी तो आप सभी लोग जानते हो अपने गेम के अंदर चल रहा है एक यूनिकॉर्न स्पेशल लक रॉयल या फिर कह सकते हो रिंग इवेंट, लेकिन उसके थीम पे ही आप लोग को अपने एक न्यू टॉप इवेंट देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर आप लोग को यूनिकॉर्न के थीम पे डिजाइन किया गया जो बाकी आइटम्स अभी तक पेंडिंग है गेम के अंदर, वो सब कुछ एक साथ में देखने को मिल जाएंगे। गाइस, जैसे कि आप लोग बैनर यहाँ पर देख सकते हो गाइस, सबसे पहले अगर आप लोग 100 डायमंड टॉप करते हो उसके बदले आप लोग को एक कटाना का स्किन दे दिया जाएगा। और हाँ भाई, ये टॉप इवेंट इंडिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, यूरोप सर्वर और बाकी भाई सारे सर्वर के अंदर आप लोग को सेम टॉप इवेंट देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये स्पेशल इवेंट का आइटम्स वगैरह है, इसलिए हर एक सर्वर में एक डेट पर आएगा और एक ही आइटम्स आएंगे। बाकी रिव्यू वगैरह आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, 300 डायमंड टॉप करोगे आप लोग को एक टोपी का स्किन देखने को मिलेंगे, 500 करोगे तो ग्लू वाली स्किन मिल जाएगा, 700 करोगे आपको एक शूज का स्किन देखने को मिलेंगे और 900 करोगे तो भाई आपको एक सिंपल सा टी शर्ट देखने को मिलने वाले है मेल बंडल के लिए। एंड 1100 पर यहाँ पर एक स्कार्फ दिया गया है। बट आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पर बेसिकली गाइस यहाँ पर जो प्राइस वगैरह रखा गया है यानी कि 1000 डायमंड तक टॉप करना पड़ेगा भाई। इस प्राइस के अंदर आप लोगों को चेंजेस जो है 22 तारीख के दिन देखने को मिल सकता है, यानी कि 22 तारीख के दिन जैसे ये टॉप इवेंट अपने गेम के अंदर आ जाएगा तो आप लोग को शायद प्राइस में चेंजेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई गरना वाले अभी के टाइम पे इतना हाई लेवल का टॉप इवेंट अवेलेबल नहीं करा रहे हैं। पहले की बात अलग था, तब भाई 1000 नॉर्मल बात था, लेकिन अभी के टाइम पे भाई 500 डायमंड टॉप करने में बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए गरना वाले अभी इतना हाई लेवल टॉप इवेंट अवेलेबल नहीं कराएंगे। जितना मुझे लगता है भाई, इन सारे आइटम्स को 500 डायमंड के अंदर सीमित कर दिया जाएगा और ये सिर्फ अपने इंडिया सर्वर के अंदर ही ऐसा हो सकता है कि भाई आप लोग अगर 500 डायमंड टॉप करते हो तो उसके बदले आप लोग को ये सारे आइटम्स जो है एक साथ में देखने को मिलेंगे और शायद 500 पर करने वजह ग्लू वाली स्किन को रख सकती है। अब देखते हैं करने वाले क्या कुछ करते हैं। बाकी यहाँ ऑलमोस्ट जो बाकी के सर्वर है वहाँ पर भाई ये सेम कंडीशन होने वाले हैं, मतलब सब बार आप लोग को 1100 डायमंड टॉप करने पड़ेगा जो भी बाकी के सर्वर है। शायद बांग्लादेश पे चेंजेस ला सकते हैं इंडिया सर्वर की तरह। अब ये तो भाई 23 तारीख बताएगा क्या कुछ होने वाले हैं। खैर, ये होने वाला है अपना अगला टॉप अप इवेंट, कैसा लगा है आप लोग को रिवॉर्ड्स वगैरह बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी आओ गाइस, इसके साथ में हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं आफ्टर OB42 अपडेट होने वाले गेम के अंदर कुछ न्यू चेंजेस के बारे में, जो कि अपने गेम के अंदर बैलेंस क्रिएट करेगा। अब जरा देखते हैं कि भाई वो चेंजेस क्या कुछ है। गाइस, आप लोग जैसे कि अभी के टाइम पे जानते हो, अपने टीममेट को रिवाइव करना हो, किसी भी गन में अगर चिप लगाना हो या फिर अगर हमें गेम के अंदर कुछ बढ़िया सा लूट चाहिए, उसके लिए दो ऑप्शन है। या तो भाई आर्सेनिक की अगर आपके पास है तो आप लोग आर्सेनिक ओपन कर सकते हो एंड आपका पूरा कमाल का रूट बस एक आर्सेनिक के अंदर से कंप्लीट कर सकते हो। बट जो दूसरा ऑप्शन है भाई वो है वेंडिंग मशीन, क्योंकि आर्सेनिक की को भी आप लोग वेंडिंग मशीन के अंदर से चाहो तो भाई कर सकते हो, बट उसके लिए आप लोग को 800 कॉइन देना पड़ेगा। तो भाई पूरा मुद्दा आके रुक रहा है कॉइन के ऊपर, वरना अगर कॉइन नहीं है तो वेंडिंग मशीन बिना कुछ काम का नहीं है वेंडिंग मशीन। बस एक सुपर रिवाइवल मेडिकेट ले सकते हो, मतलब फ्री में एक तो सुपर मेडिकेट ले सकते हो और एक सुपर रिवाइवल कार्ड ले सकते हो। वैसे अगर सही बताऊं तो सुपर रिवाइवल कार्ड लेना शेर के मुंह में हाथ डालना जैसा है, हाथ नहीं बल्कि पूरा अपने आपको डाल देना जैसा है। तो इसलिए भाई मतलब सुपर रिवाइवल कार्ड तो बहुत मुश्किल होता है भाई करना। तो भाई इसी का निवारण करने के लिए करना वाले एक अपडेट लाने वाले हैं, जिसका नाम है कॉइन मशीन। सिंपली आप लोग यहाँ पर एक रिव्यू देख पा रहे हो। अब ये जो कॉइन मशीन है इसका भाई काम क्या है, बेसिकली भाई गेम के अंदर ये कॉइन मशीन आप लोग को हर जगह पर देखने को मिलेंगे, खास करके जहां पर वेंडिंग मशीन है उस जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। तो मैप के अंदर जिस जगह पर आप लोग को वेंडिंग मशीन देखने को मिलता है उसके आसपास में अगर आप लोग ढूंढोगे 3-4 वेंडिंग मशीन के आसपास में कॉइन मशीन देखने को मिलेंगे। एंड हां गाइस, आपको बता दूं भाई ये जो कॉइन मशीन आपको मिलने वाले है इससे आप लोग एक बार में 200 कॉइन ले सकते हो, बट हां वन टाइम, ये कॉइन मशीन दोबारा काम नहीं करेगा। एक कॉइन मशीन से
आप लोग को बस एक बार ही 200 कॉइन देखने को मिल जाएंगे। और वेंडिंग मशीन के अंदर अगर आप लोग को 3-4 कॉइन मशीन देखने को मिलता है तो आप लोग आराम से अपने एक या फिर दो स्क्वाडमेट को रिवाइव कर सकते हो। अगर दो कॉइन मशीन भी देखने को मिलेंगे 400 कॉइन आपके पास आ जाएगा, जिससे आप लोग एक स्क्वाडमेट को रिवाइव कर दोगे। बाकी गाइस इस कॉइन मशीन को ढूंढने का और एक आसान तरीका भाई आपको मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, आपको मैं एरो करके दिखा दिया हूँ, कुछ भाई यहाँ पर येलो कलर का आपको डॉट दिख रहा है, तो भाई यही है अपना कॉइन मशीन। मैप में आप लोग को जहां पर भी येलो डॉट देखने को मिलेगा तो समझ लेने का वहीं पर खजाना छुपा हुआ है और वहीं पर जाके आप लोग को पूरा लूट मिलेगा। ऐसा नहीं है बस 200 कॉइन मिलेंगे, तो तैयार हो जाओ इस चीज के लिए। और अपने स्क्वाडमेट को रिवाइव करने का एक दूसरा और एक आसान तरीका आपको आगे से गेम के अंदर दे दिए जाएंगे। बाकी फिलहाल आओ गाइस अब हम यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को कुछ न्यू वॉइस कमांड सुनाऊंगा जो कि OB42 अपडेट के बाद आप सबको अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। जो भी भाई गेम के माइक को बंद रख के गेम प्ले करते हो और आप लोग चाहते हो कि आपके पास कुछ और नया ऑप्शन आ जाए अपने टीममेट को बताने के लिए, तो कुछ न्यू वॉइस कमांड आपके लिए पेश करेंगे हम। बट एक चीज का बहुत ध्यान रखे और वो ध्यान से ध्यान रखने का काम यह है कि भाई या तो हेडफोन यूज कीजिएगा या फिर माइक को और जो स्पीकर होता है दोनों को बंद कर दीजिएगा। वॉइस कमांड यूज करते वक्त बहुत टीममेट ऐसे शरीफ होते हैं जो कि बहुत गाली देते हैं, तो गाली अब सबके सामने ना आ जाए, फिर घर से कुटाई ना पड़े और फ्लाइंग चप्पल ना आ जाए, तो ये सब से सतर्क आपको रहना पड़ेगा। तो बस इसलिए या तो हेडफोन यूज कीजिएगा या फिर स्पीकर ही बंद कर दीजिएगा ताकि टीममेट का गाली सुनाई ना दे। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। खैर आप लोग यहाँ पर कुछ वॉइस कमांड सुन लीजिए। You are snow cool. There's ice in my veins. Chill, bro. Chill. Happy New Year. We are on fire. اغدروهم إن استطعتم فنشوهم ولم تستطيعوا فحاولوا الهروب. देखो इसमें मुझे तो एक चीज बहुत बढ़िया मिल गया है जो कि है चील ब्रो चील। अब ये जो चील कौवा वाला सीन है ना भाई, ये अपने टीममेट पर मैं यूज करूंगा। जब वो लोग गुस्सा होंगे तो मैं इस चीज को बार बार दूंगा ताकि उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाए। खैर आओ गाइस जरा हम यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करने वाले हैं आने वाले गेम के अंदर नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल के बारे में, कौन सा बंडल आप लोग को नेक्स्ट में गोल्ड रॉयल के अंदर देखने को मिलेंगे एंड साथ में और कौन कौन सा आइटम्स को करने वाले ऐड करने वाले हैं। अब इस टाइम पे भाई देखा जाए एडवांस सर्वर ओपन हो गया है लेकिन गेम के फाइल के अंदर कुछ भी बंडल को अभी तक ऐड नहीं कराया गया है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि यही अपना गोल्ड रॉयल का बंडल है, मतलब कंफर्म बंडल को ऐड नहीं किया गया है। बट फिर भी गाइस आपको यहां पर मैं कुछ बंडल दिखा रहा हूं, असल में इन्हीं में से आप लोग को नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यार रिटर्न बंडल या फिर ओल्ड बंडल अपने गेम के अंदर आता नहीं है। तो भाई हो सकता है इन्हीं में से आपको एक न्यू बंडल हो सकता है, नहीं बल्कि होगा ऐसा ही 100% कंफर्म ही है कि आपको इन्हीं में से एक बंडल नेक्स्ट में गोल्ड रॉयल के अंदर दे दिए जाएंगे। वैसे गाइस मुझे तो ये बंडल को पर शक है, आप लोग यहां पर जो मेल और फीमेल बंडल देख पा रहे हो शायद इन्हीं में से एक बंडल को नेक्स्ट में करने वाले गोल्ड रॉयल के अंदर दे सकते हैं। एंड हां इसके साथ में कुछ ओल्ड इमोट वगैरह करने वाले ऐड करा देंगे और बाकी भाई अभी के टाइम पे जो भी आइटम्स चल रहा है गोल्ड रॉयल के अंदर, यानी कि गाड़ी का स्किन वगैरह बैकपैक स्किन वगैरह भाई ये सब कुछ रह जाएंगे। इसके अंदर करने वाले ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, जो आइटम्स अभी के टाइम पे अवेलेबल है यही सारा आइटम्स गेम के अंदर रहेंगे। इसके अंदर कुछ खास चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बस इमोट में और एक न्यू इमोट को ऐड किया जाएगा और एक नहीं बल्कि दो इमोट ऐड किए जाएंगे। बंडल आपको मैं दिखा दिया हूं, बाकी जो आइटम्स अवेलेबल है वो भी बता दिया हूं कि उसके अंदर कुछ खास चेंजेस जो है नहीं होने वाले हैं। जो बैकपैक जो गाड़ी का स्किन है भाई यही सब रह जाएंगे। तो अब अगर आगे जाकर मतलब जैसे ही बंडल का रिव्यू वगैरह निकल कर आएगा वीडियो क्लिप के द्वारा, तो भाई आपको मैं नेक्स्ट बंडल का रिव्यू करा दूंगा कि वो कौन सा बंडल गोल्ड रॉयल के अंदर आने वाले हैं। फिलहाल तो भाई बैनर के अंदर ही हमें बंडल दिखा है तो आपको दिखा दिया हूं, बट जैसे ही बंडल का रिव्यू निकल कर आ जाएगा वीडियो क्लिप के रूप में देन मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी दिखा दूंगा। बाकी गाइस मेरा वीडियो आज का यही तक था, बढ़िया लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं हर दिन की तरह कल शाम को और एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।